हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री और आज हम आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक आध दो कॉन्सेप्ट कुछ नए सीखेंगे एट द एंड। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखो, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन ऑफ बी। ठीक है, तुम इसका वैल्यू निकालना है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो और फिर मैं इसका सॉल्यूशन अब बता रहा हूं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। चलो तो देखो, ए प्लस बी 45 दे रखा है और हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या किया, एक तरीका, देयर आर मल्टीपल वेज एक्चुअली, ठीक है ना, फॉर दिस क्वेश्चन क्या किया, इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों साइड 10 ले लिया। कहने का मतलब मैंने ऐसे लिखा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अगर दो एंगल्स बराबर हैं, ये ए प्लस बी एक एंगल है, वो 45 है, तो वो एंगल बराबर है तो उनका 10 भी बराबर होगा। अब मैंने लिखा 10 45 क्या होता है 1 is equal to, इधर से मेरा क्या आएगा, tan of a plus b वाला फॉर्मूले से आएगा क्या, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। क्लियर है यहां पर? अब मैंने इसको इस टर्म को इधर लेके गया, तो ये आया 1 minus tan a into tan of b is equal to tan a plus tan b। ये हो गया यहां पर। अच्छा, अब देखो इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ऑफ बी प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, ये हमारा इसके बराबर आ गया। अब ध्यान से देखो, जो मुझे एक्सप्रेशन निकालना है उसकी वैल्यू, उसको एक बार एक्सपेंड करके लिखो। व्हेन यू विल ओपन दिस, व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस tan a plus tan b plus tan a tan b। इसको ओपन किया सिंपली बस। अब देखो ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है यहां से यहां तक सेम है और इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी। अब एक्चुअली क्या है कि हम इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखने वाले हैं इसको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अब आता है क्वेश्चंस में, सो वी विल मेमोराइज दिस रिजल्ट। कैसे करेंगे मेमोराइज, हम बोलेंगे इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 45। अब ये वैसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन था, अब से हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ट्रीट होगा। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल्स टू 2। अगर ए प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 होता है। ठीक है ना, तो इसको मैंने बॉक्स में बना दिया, तुम लोग भी बॉक्स में बनाओ, इसका मतलब तुम्हें इसको याद रखना है। ठीक है, चलो इसी के वजह से एक और क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का, तो वीडियो पॉज करो, तुम इसको कॉपी करो और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, इसी के बेसिस पे है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और मैंने बोला कीपिंग दिस इन माइंड कि अब हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया। फॉर्मूला क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज व्हाट, 2। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड वी विल डू वन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज 1 प्लस टेन ऑफ 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन ऑफ 2 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन, और लास्ट में जा रहा है 1 प्लस टेन ऑफ 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। ठीक है ना, ऑल द टर्म्स आर इन प्रोडक्ट। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस टेन ऑफ 1 डिग्री, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस टेन ऑफ 2 डिग्री, थर्ड इज 1 प्लस टेन ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन 45। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं, 45 है, 1 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 45 तक जा रहा है। ठीक है ना, तो चलो अब मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करना कि ट्राई टू थिंक हाउ कैन वी अप्लाई द प्रीवियस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हिंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, और अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना, तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। तो देखो क्या किया, इसके जस्ट जो पहले वाला ब्रैकेट है क्या आएगा, 1 प्लस टेन 44 डिग्री। चलो मैं लिख लेता हूं एक बार, तो 1 प्लस टेन ऑफ 1 डिग्री, 1 प्लस टेन ऑफ 2 डिग्री, 1 प्लस
tan ऑफ 3 डिग्री, मैं लास्ट के तीन ब्रैकेट चार तीन चार ब्रैकेट लिख रहा हूं, देखना मैं लिख रहा हूं 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री, 1 प्लस मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस tan ऑफ 43 डिग्री, 1 प्लस tan ऑफ 44 डिग्री एंड 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है लास्ट के चार है वो प्रोडक्ट में मान लिया, ठीक है ना, इधर ना लिख के मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको इस वाले ब्रैकेट में सेपरेटली ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है ना, प्रोडक्ट में ऑफकोर्स, बाकी टर्म देखो ध्यान से देखो, ये जो पहला ब्रैकेट है एंड सेकेंड लास्ट ब्रैकेट, जस्ट फोकस ऑन दिस, 1 डिग्री प्लस 44 45 डिग्री है, तो अगर मैं इसको ए एंगल बोल रहा हूं इसको बी एंगल बोल रहा हूं, तो ए प्लस बी 45, और ये क्या लिखा है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, तो क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा हमारा 2, क्लियर है, ये और सेकेंड लास्ट ब्रैकेट क्लब होके वी विल गेट 1 2, ठीक है ना। फिर सिमिलरली ये सेकेंड ब्रैकेट आगे से और पीछे से तीसरा ब्रैकेट 1 प्लस 43 डिग्री, अगेन दिस विल गिव अस 2, व्हाई, बिकॉज़ 2 डिग्री प्लस 43 डिग्री 45 डिग्री हो गया, और a प्लस b अगर 45 है तो 1 प्लस 10a into 1 प्लस 10b क्या होता है 2, सो अगेन दिस विल रिजल्ट इन 2। तो अब मैंने बोला ऐसे कितने पेयर बनेंगे, जस्ट थिंक इट, देखो लास्ट ब्रैकेट को तो हमने इसको सेपरेटली कर लिया, ठीक है ना, ये तो अलग कर लिया, ऐसे कितने ब्रैकेट है 44 है, दो ब्रैकेट मिला के एक 2 जनरेट कर रहे हैं, तो 44 ब्रैकेट कितने 2 जनरेट करेंगे 22, तो फाइनली हमारा ये कितने बार होगा 2 2 2 2 2, ये 22 टाइम्स, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये लास्ट ब्रैकेट अलग से डील कर लेते हैं, लास्ट ब्रैकेट वैल्यू बहुत आसान है, 1 प्लस 1045 1045 इज 1, तो इस ब्रैकेट के कारण ये अलग से इंटू 2, तो फाइनली 22 टाइम्स 2 है और एक 2 से और मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 2 की पावर 23, सो दिस इज द आंसर। अब वो एडवांस में कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, वो ऐसे दे देगा दिस इज इक्वल टू 2 की पावर लैम्डा फाइंड लैम्डा फाइंड लैम्डा, तो ये वो एडवांस का क्वेश्चन हो गया इंटीजर टाइप, तो हमारा आंसर क्या होगा लैम्डा इज 23, क्लियर है, समझ में आया, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इज 45 डिग्री। बाकी हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी हम इस सीरीज को और भी आगे तक लेके जा सकते हैं, जैसे 1 प्लस 89 तक लेके गया मैं, जैसे मान लो एज ए सेपरेट क्वेश्चन, मान लो इस बार यहां तक ना रोक के मैं इसको ऐसे ले गया 1 प्लस 89 डिग्री तक, tan ऑफ 89 तक, ठीक है ना, तो भी फिर क्या, एक मिनट, नहीं नहीं इसको मैं ऐसे तो नहीं लेके जाऊंगा, लीव इट, एक काम करो इसको इधर छोड़ दो, एज ए सेपरेट क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, और आज से मैं ट्रिग्नोमेट्री की शीट कर दूंगा व्हाट्सएप, ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगा, नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व स्टार ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक में काफी प्रैक्टिस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री की तुम लोगों को शीट नहीं मिली है, ठीक है ना, सो आज मैं दे दूंगा, और अगर मैं भूल जाऊं इन केस इफ आई फॉरगेट जस्ट रिमाइंड मी, ठीक है ना, कम से कम एक दो बच्चे मुझे रिमाइंड करो, ठीक है, वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं, बट फिर भी अगर भूल गया तो जस्ट रिमाइंड मी फॉर दैट शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो एक ये भी बहुत, हालांकि मुझे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सुनना, देखो अभी जाके जैसे आगे हमारा टॉपिक आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम और सॉरी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो तब हम इसको अलग अप्रोच से करेंगे, ठीक है ना, जब हमको फॉर्मूले पढ़ लेंगे, विदाउट दैट फॉर्मूले भी ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे ध्यान से देखो क्या करूं मैं इसमें, मैंने क्या किया cos ऑफ 10 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोलो cos ऑफ 10 डिग्री कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो मान लो मैंने डिवाइड कर लिया बोला, ठीक है ना, मैंने cos ऑफ 10 डिग्री से डिवाइड किया, तो क्या आएगा इसके नीचे cos 10 डिग्री लिखूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस, इसके नीचे cos ऑफ 10 डिग्री लिखूंगा तो क्या आएगा sin अपॉन cos 10, तो tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन, इसके नीचे cos 10 लिखूंगा तो क्या आएगा 1 फिर माइनस, इसके नीचे cos 10 डिग्री लिखूंगा तो क्या आएगा tan ऑफ 10 डिग्री, तो देखो अब ये कन्वर्ट हो गया, याद है कल हमने एक और फॉर्मूला लास्ट में देखा था क्या tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, और एक देखा था tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसको क्या बोला था, वैसे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे tan ऑफ a प्लस b का, बट मैंने बोला था एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसको याद रखेंगे, तो 1 प्लस tan थीटा
अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और इधर उल्टा हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। तो अब यही वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, तो क्या होगा टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा। तो क्या लिखू, टेन ऑफ पाई बाय फोर, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, और थीटा मेरा क्या है इधर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10 डिग्री, तो फाइनली यू आर गेटिंग टेन ऑफ 55 डिग्री। क्लियर है? वैसे मैंने क्या बोला, इसको आगे जाके हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, वो चार फॉर्मूले पढ़ने वाले हम अभी आगे जाके, cos c plus cos d, cos c minus cos d, sin c minus sin d and sin c plus sin d, using those four formulas also we can do this question, ठीक है? तो जब वो सीख लेंगे तो हम एक बार और ले लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो तो अब पॉज करो, कॉपी करो, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेन ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन ऑफ 50 डिग्री प्लस टेन ऑफ 20 डिग्री। चलो इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो, और मैम इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है? तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो। अब देखो सबसे क्वेश्चन देखा हमने, तो सबसे पहले मेरी नजर कहां जानी चाहिए, व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग, हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम। हमें एंगल्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें एंगल्स पे फोकस करना चाहिए। इधर जो लिखा है वो लिखा है 70, इधर लिखा है 50 और 20। अब वी नो कि 50 प्लस 20 क्या होता है, 70 होता है। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब दिस इज द स्टार्टिंग अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, कि हम क्या लगा सकते हैं। हम ऐसे लगा सकते हैं टेन ऑफ 50 प्लस 20 डिग्री, टेन ऑफ ए प्लस भी लगा सकते हैं। तो इधर हमारा टेन जो भी अब इधर लिखूंगा मैं, एक्सप्रेशन जो भी लिखूंगा LHS और RHS, उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, एक तो 1070 ये दिख ही रहा है, और इस साइड क्या आएगा 1050 1020। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा तीन एंगल्स में कन्वर्ट हो गया, 1020 1050 एंड 1070, और वही तो मुझे दिया है प्रूफ करने। जो एक्सप्रेशन है दैट इन्वॉल्व थ्री एंगल, टेंजेंट ऑफ थ्री एंगल्स, दैट इज 20 डिग्री 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो बस हमारा काम हो गया। तो इसको क्या लिखा फिर हमने फॉर्मूले से, tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। क्लियर है यहां तक? अच्छा अभी बीच में पूरा सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा और ट्रिकी पार्ट बाकी है, देखने क्या। तो ये तो हो गया 1070, ये तो हो गया 1070। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1070 माइनस 1050 इंटू 1020, दिस इज 20, ठीक है ना, इंटू 1070। क्लियर है यहां तक? ये मैंने ये वाला टर्म इधर लेके आया, इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो, अगर मैंने, चलो इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूं, फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1070 इधर से क्या आया, 1070 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020 प्लस 1050 इंटू 1020 इंटू 1070। अब तुम जो प्रूफ करना है उसको कंपेयर करो। तो देखो हमारा RHS तो आ गया, सॉरी LHS तो आ गया, ये तो हमारा आ गया। अब देखो इधर एक 1020 है, ये 1020 है, तो ये भी करेक्ट टर्म है। इधर 2 1050 है, इधर एक 1050 तो आ गया, इसका मतलब दिस शुड रिजल्ट इन 1050, तभी मेरा मैच करेगा। अभी 1050 कैसे आएगा, फोकस करो, 1050 ऑलरेडी इधर है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो वो एंगल्स, अब ध्यान से देखो वो एंगल्स, तो क्या लिखा है, ये मेरा 1070 को क्या लिख सकता हूं मैं, cot 20 cot ऑफ 90, सॉरी दिस इज cot ऑफ 90 माइनस 20 ना, तो cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो ये 1070 किसके बराबर होगा, cot ऑफ 20 डिग्री। दोबारा एक बार इसको क्या लिखा मैंने, 1070 को ऐसे लिखा, tan ऑफ 90 माइनस 20, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot 20 आ गया। अब मुझे पता है 10 थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 10 ऑफ 20 डिग्री इंटू cot ऑफ 20 डिग्री, दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 1, 1 इंटू 1050 इज 1050, और 1050 प्लस 1050 2 1050, ये आ गया हमारा। तो देखा मैंने तुम लोगों को कैसे अप्रोच कराया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सॉल्व करना तो बात की बात है, कैसे हमने अप्रोच किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने कहां स्टार्ट किया, कैसे एंगल्स, मतलब सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि पैटर्न्स दिमाग में बनना,
और सबसे ज्यादा उसके लिए हमें सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया होगा तो हमें किस पे फोकस करना है, एंगल्स पे। तो अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो 70 है दैट इज एडिशन ऑफ 50 एंड 20। फिर हमारा उससे आगे का स्टेप बना कि हम चलो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी का, ठीक है। फिर मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आया, फिर कंपेयर किया LHS को, LHS तो सेम थी, RHS को कंपेयर किया तो हमें पता क्या चला कि ये तो तीन टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा है ना, एक्चुअली दैट शुड बी 1050, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी 1। फिर हमने ध्यान से देखा कि भाई ये तो 1020 लिखा है, cot 20 लिखा है, और cot 20 into 1020 क्या होता है 1, hence proof क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट लिखो, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द थ्री एंगल्स, ठीक है ना, तीन एंगल्स हैं, बी द थ्री एंगल्स पूरा लिख लो, चलो बी द थ्री एंगल्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई इफ tan of A into tan of B equals to 2, then find the value of cos A into cos B upon cos C, ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो करते हैं फिर, कैसे सोचें, क्या स्टार्ट करें। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन दिया उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है cos of A into cos of B upon cos of C, ठीक है। अच्छा, अब जो मुझे रिलेशन दिया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिया है, वो बेसिकली एंगल A और एंगल B में दिया है, ठीक है, बट इधर A B और C दोनों तीनों इन्वॉल्व है, तो क्या करें हम इधर से C हटा देते हैं, सो दैट ये ए और बी में आ जाएगा और लकीली हो सकता है ये जनरेट हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हमारा थॉट प्रोसेस क्या हुआ कि जो पूछा गया है उसमें सी एंगल है बट इसमें सी नहीं था जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हम इधर से सी हटा देते हैं, और कैसे हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखा मैंने देखो इधर, कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ऑफ सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस ए प्लस बी, क्लियर है यहां तक। अब वाला फॉर्मूला कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई होता है तो कॉस का कॉस रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस नेगेटिव, तो दिस इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा, इधर लिख लेता हूं मैं, कॉस ए कॉस बी अपॉन क्या लिखा, क्या बोला मैंने, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। चलो अब मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, देखो इधर कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर पे एज इट इज, अब डिनोमिनेटर पे आओ तो ये लिखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस है कॉस बी, माइनस साइन है साइन बी होता है, बट इधर माइनस लिखा हुआ है आगे, तो क्या हो जाएगा बेसिकली साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब जो मेरा एक्सप्रेशन है, मतलब तो यही आ गया था ए और बी के टर्म्स में, अब इसको ध्यान से देखो, इधर जो हमारा एक्सप्रेशन है एंगल ए और बी में आ गया, अब हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी, कैसे करें, हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, मतलब इधर तो कोसाइन वगैरह दे रखे, अगर ये किसी तरीके से टेन टेन में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा ये यूज कर लेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट होगा, सोचो पॉज करके, अब मैं बता रहा हूं, मैंने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दिया, या फिर ऐसे बोल लो इस कॉस से कॉस बी को इस डिनोमिनेटर के नीचे लेके गए, वन एंड द सेम थिंग। तो अगर मैंने कॉस से कॉस बी से डिवाइड किया इसको, तो ऊपर क्या बचेगा, वन अपॉन, देखो ध्यान से चमत्कार होने वाला है, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन ए टेन बी, तो देखो ये चीज जनरेट हो गई, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली इधर प्लग कर देंगे, तो क्या इधर टेन ए टेन बी माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो वन, तो बस ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई हमारे पास,
जो एक्सप्रेशन आया दैट इज इन टर्म्स ऑफ 10 इनटू 10 बी, अब डायरेक्ट 10 इनटू 10 बी की वैल्यू उठा के इधर रख देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1, हेंस प्रूफ। अच्छा वैल्यू निकाल ली थी, मेरे को लगा प्रूफ है, तो हमारी वैल्यू आंसर आ गया 1, क्लियर है। और टू प्रूफ में भी दे सकता है, प्रूफ दैट दिस वैल्यू ऑफ दिस इज 1, ठीक है ना, कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो अच्छा चलो इसको हम एक और अप्रोच से करते हैं, ठीक है ना, इसको हम एक और अप्रोच से करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब मैंने बोला इसको हम एक डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हैं, अल्टरनेट मेथड फॉर दिस सीएन। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इस टेन ए टेन बी को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। देखो क्या लिखा मैंने, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इक्वल टू टू, क्लियर है यहां तक। तो इधर से मेरे को एक रिलेशन मिला, क्या साइन ए साइन बी। अच्छा वैसे हम इसको एक और तरीके से, चलो ठीक है, बात वही हुई, ऐसे इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के भी काम चल जाएगा। चलो एक काम करते, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। आई होप कंपोनेंटो डिविडेंडो सबको पता होगा क्या होता है बेसिकली। ऐसे मैंने लिखा ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इफ दिस देन दिस, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है ना, नाइन टेंथ में पढ़ते हैं, वैसे तो नहीं पता है तो यू कैन कॉपी दिस। अब मैंने इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूं, देखना ध्यान से, हालांकि उससे थोड़ा लेंदी ही होगा। एक काम करो तुम, तो एक काम करो कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी कर लो, ठीक है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो भले लगा लो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो ऊपर क्या आएगा, साइन ए साइन बी, दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कॉस ए कॉस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, क्लियर है। ये क्या क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर टू प्लस डिनोमिनेटर वन अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो अभी तक देखो, इधर ध्यान से देखो क्या बना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। नहीं तो एक काम करो, चलो इधर ठीक है, अपॉन लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विद नेगेटिव साइन, तो दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बट विद नेगेटिव साइन, दिख रहा है ना, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज इधर साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी लिखा है, तो दिस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा दिस इज कितना आया, ये किसके बराबर आया, टू प्लस वन थ्री अपॉन टू माइनस वन वन, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं इस रिजल्ट से, पाई माइनस सी, तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, और एक ऑलरेडी माइनस है, तुम लिखना अगले स्टेप में, मैं यही चेंज कर रहा हूं, तो दिस विल बी कॉस सी, दिस विल बी कॉस ऑफ सी, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अच्छा अब देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी को मेरे को, अब देखो जो चीज चाहिए उसमें डिनोमिनेटर तो मेरा आ गया कॉस सी, अब कॉस ए इंटू कॉस बी चाहिए मुझे, तो क्या किया, इंस्टेड ऑफ इस, इधर मैंने क्लब किया, इसको ना क्लब करते हुए मैं इसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, इस वाले रिजल्ट को, ठीक है। तो देखो कॉस ए कॉस बी तो है, इधर साइन ए साइन बी परेशान कर रहा है, तो इधर से साइन ए साइन बी वैल्यू उठा के इधर रख दी, इधर से इधर, तो देखो साइन ए साइन बी क्या है बेसिकली, टू कॉस ए कॉस बी, ये इधर गया, तो टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, थ्री कॉस ए कॉस बी, ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस सी इज वन, हेंस प्रूफ। तो देर आर मल्टीपल वेज इन ट्रिग्नोमेट्री, और मैं देख भी रहा हूं बच्चों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, ठीक है ना, मतलब डाउट पूछते हैं, तो मैं किसी और मेथड से बताता हूं, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, दे वर सेम क्वेश्चन दे वर गिविंग इट डिफरेंट अप्रोच, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म चल रहा है कुछ बच्चों का, ठीक है ना, एंड आई वॉन्ट एवरी वन शुड बी डू दैट वे ओनली, जैसे अभी मैंने कोई क्वेश्चन कराया, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि वही केवल अप्रोच है, देर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस फॉर सिंगल क्वेश्चन, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है ना, सो यू शुड ट्राई दोस, मतलब यू एक ये नहीं कि एक मेथड से कर लिया तो बस हम खुश हो गए कि नहीं भैया हमें आ गई ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं है, और भी सोचना चाहिए, मतलब मल्टीपल अप्रोचेस से ट्राई करना चाहिए, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है ना, और उससे फास्ट होगा तुम्हारा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में, तुम फॉर्मुले वैसे ही रटे होंगे, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, अलग अलग तरीके से सोचोगे, तब फॉर्मुले तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत हुआ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज कर इसको कॉपी करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। साइन ए साइन बी प्लस वन इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, देन शो दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट वन प्लस कॉट ए सॉरी कॉट ए इंटू टेन बी इक्वल टू जीरो, एंड दो प्रूफ करने, टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू जीरो। चलो करो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, ये जो लिखा उसके हिसाब से हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इज गिवन डाटा एंड वी हैव टू प्रूफ दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, ठीक है, तो करते हैं इसको। वैसे मैं एक बता दूंगा तो दूसरा अपने आप क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना, मेन इसी के साथ इक्वेशन के साथ है इंपॉर्टेंट। तो आई होप तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर रहे हो, कर लिए होगे, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि इधर कॉस ए कॉस भी लिखा है, इस साइन ए साइन बी को उधर लेके जाऊं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन गया मेरा, कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या किया, इधर तो वन रहने दिया, ये वाले टर्म को उधर भगा दिया आरएचएस में, तो मेरा क्या बन जाएगा, इधर कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज माय वन, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी वन है, व्हाट अबाउट साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो ये भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ध्यान से सुनना, दिस इंप्लाइज साइन ऑफ ए प्लस बी हैज टू बी जीरो, दिस इंप्लाइज साइन ऑफ ए प्लस बी जीरो होगा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, द रीजन इज, अब मैं देखो इस चीज को भूल जाऊं एक मिनट के लिए, अब इधर आते हैं, मैंने बोला इफ, चलो इसी को मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू वन दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एक तो मैंने ये ट्रू फॉल्स लिखा, और एक लिखा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो देन दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू वन, या फिर उल्टा लिख लो, एक काम करो इधर कॉस थीटा लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है, जो बताना चाह रहा हूं वो चीज समझना, ठीक है ना, दोनों में अंतर समझो। जैसे मैंने तुम्हें बोला ट्रू और फॉल्स है पहला वाला, मैंने बोला अगर कॉस थीटा वन के बराबर है तो साइन थीटा जीरो होगा, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आंसर मिलेगा ट्रू, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो वन से वन कैंसिल, साइन थीटा जीरो आ गया। अब मैंने सेकंड पे आता हूं, जनरली तो बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं, वो बोलते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू बट एक्चुअली दिस इज फॉल्स, द रीजन इज अगर साइन थीटा जीरो है ना तो कॉस थीटा कैन बी प्लस माइनस वन, तो वही चीज मैं इधर बोल रहा था कि इधर अगर कॉस थीटा वन है तो पक्का साइन थीटा जीरो होगा, बट उल्टा ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इफ साइन थीटा इज जीरो डज नॉट इंप्लाइज कॉस थीटा इज वन, दैट कैन बी प्लस माइनस वन, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के बारे में। तो इससे हमें निकल गया साइन ऑफ ए प्लस बी इज जीरो। अब ये फैक्ट यूज करेंगे हम ये निकालने के लिए, तो लुक एट हियर, पहला प्रूफ, अगर मैंने इसको साइन मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट किया कॉट और टेन को, तो देखो क्या लिखा मैंने, वन प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन ए, कॉस का नीचे आएगा साइन ए और इधर आएगा कॉस बी, क्लियर है यहां तक, दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, तो वेन यू विल टेक एलसीएम, देखो ध्यान से न्यूमरेटर में क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, चलो कुछ भी आए, तो वैसे तो ये आ ही रहा है, क्लियरली दिख ही रहा है, वैसे हमें मतलब नहीं है, द रीजन इज ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं दिस इज जीरो, तो ये जीरो है, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा जीरो, हेंस दिस इज जीरो, प्रूफ हो गया जीरो के बराबर, क्लियर है। अब वो चुटकियों का खेल है, क्योंकि ये तो हम क्या है कि एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद करने को बोला है, टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, याद है कल ही बताया था, कल की क्लास में, फर्स्ट क्लास में नहीं बताया था, इससे कल वाली क्लास में बताया था, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में नहीं बताया था, क्या था ये साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे इधर भी क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, व्हेन यू विल टेक एलसीएम, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए कॉस बी, क्लियर है। तो ये चीज इसके बराबर है और साइन ऑफ ए प्लस बी जीरो, अभी हमने प्रूफ किया, हेंस दिस इज ऑल्सो जीरो, क्वेश्चन खत्म, यही क्लियर हुआ। तो सबसे क्रिटिकल स्टेप यही था इधर का,
कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर वन है तो साइन ऑफ ए प्लस बी जीरो है, इससे एक झटके में हमारा आंसर आ गया। ठीक है चलो तो फिर पॉज करो इसको, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं। जो भी तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट जब भी होने वाला है नेक्स्ट संडे को, या फिर इसके शायद इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे है शायद, जो भी आने वाला संडे उसके बाद वाले संडे को है, तो उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, दोनों को करना है, क्वाड्रेटिक छोड़ना नहीं, क्वाड्रेटिक को भी मैं क्वेश्चन डालूंगा उसमें और ट्रिग्नोमेट्री के भी डालूंगा, ठीक है ना। हाँ लॉग वगैरह नहीं दूंगा इस बार में, ठीक है ना, लॉग बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह इनइक्वालिटीज वगैरह नहीं दूंगा, आई विल गिव क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्री, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस टू कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब क्या हुआ बेसिकली, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना थीटा वीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल दैट जो एक्सप्रेशन आने वाला है ना इसको सिंप्लीफाई करके दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, बोलेगा दिस एक्सप्रेशन इज, फिर ऑप्शन में लिख देगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इस टाइप से assumes constant value, independent of alpha and beta, theta both, इस टाइप से options देगा। तो हमारा according to the questions जो show that करना है, उसके हिसाब से हमारा correct answer क्या होगा? This is independent of theta। तो चलो start करते हैं इसका। तुम लोग pause करो video और खुद से एक बार कोशिश करो। अब मैं इसको बताता हूँ, देखना। तो देखो क्या किया? पहले इन दो terms पे focus किया। ठीक है ना, और जरूर नहीं इधर से स्टार्ट करें, इधर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट अप्रोच आई विल टेल, बट अभी मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर ही रखने दे दिया, प्लस इन दोनों में से मैंने कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा कॉमन लिया, तो बताओ क्या बचेगा इधर, इधर तो बचा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस टू, इधर से ये चला गया, तो ये बचा टू कॉस अल्फा कॉस थीटा, यहां तक क्लियर है। अब शायद बहुत से बच्चों का अगला स्टेप क्लियर हो गया आ गया होगा कि हम क्या करें, डेफिनेटली हम इसको क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखेंगे, सो दैट एक कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम्स है ना नेगेटिव, तो क्या किया इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, इसको देखो क्या लिख रहा हूं, कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन अल्फा साइन थीटा और इधर माइनस टू कॉस अल्फा कॉस थीटा, क्लियर है। अच्छा अब दोबारा ये लिख लिया टर्म्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, अब देखो इधर क्या बन रहा है, अब मैं यही कैंसिल आउट कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में लिखना, ये वन और ये माइनस टू, तो ये हट गया यहां से कैंसिल हो गया, मतलब एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स, तो ये हट गया कैंसिल हुआ। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो मैं बाहर माइनस आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं उस माइनस को, इधर क्या बचेगा देखो ध्यान से, देखो क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अब उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, या थीटा माइनस अल्फा वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, याद है क्लियर है ना, ये ब्रैकेट इधर है। अब क्या करें, अब याद है वो वाला फॉर्मूला लगाए आपने, वही अभी लास्ट टू सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा, आज से दो क्लास पहले, एक क्लास पहले किया था, मतलब परसों वाली क्लास में किया था, क्या कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या होता है दो टर्म होते हैं जिसमें एक कॉस का होता है एक साइन का होता है, पहले कॉस का होता है क्योंकि कॉस की चीज है तो कॉस को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे मैंने उसको याद करने का तरीका बोला था। तो ये तो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ध्यान से कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता था कॉस स्क्वायर ए, तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना, देखो इधर लिख लेता हूं मैं क्या क्या था फॉर्मूला हमारा, देखो इधर एक कम कर दो, दूसरे कलर से लिख देता हूं, देखो कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत को शायद नहीं क्लिक किया हो, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू
कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसके दो फॉर्मूले बोले, दो तरीके से मैंने बोला था, एक तो दोनों कॉस है तो एक कॉस और एक साइन का आया आरएचएस में, और कॉस को प्रायोरिटी देंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बट हमेशा दोनों में देखो कॉस पहले आ रहा है, बिकॉज इधर कॉस है तो कॉस को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा वे ऑफ मेमोराइजिंग मैंने ऐसा बताया था, तो वही चीज मैंने लगाया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज़ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ओपन कर दो ब्रैकेट, तो दिख रहा है अभी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, फर्स्ट आइडेंटिटी, तो वन माइनस, और ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, वैसे तो यही छोड़ दो बट इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था ना वो रिड्यूस हो गया, हमारा किसमें रिड्यूस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, अब क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, हाँ प्रूफ हो गया, बिकॉज में कहीं थीटा इन्वॉल्व नहीं है ना, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो जैसे अब ऑब्जेक्टिव में मान लो, एक मिनट के लिए सुनो, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में मान लो इधर हमारा ये एक मिनट के लिए मान लिया कि अल्फा भी गायब हो जाता, लेट्स से ये कॉन्स्टेंट आ जाता टू, तो और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड अल्फा बोथ, इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, देखो क्या बोला मैंने, मल्टीपल चॉइस, मैंने बोला एक मिनट के लिए मान लिया, आई एम एज्यूमिंग कि दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस पार्ट, तो देखो मल्टीपल चॉइस में हमारे क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा विच इज करेक्ट, टू आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, मैं मान रहा हूं एक मिनट हाइपोथेटिकल कि टू आ गया एक मिनट के लिए, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होता बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड अल्फा बोथ, वो भी करेक्ट होता, दिस इज अ कॉन्स्टेंट वो भी करेक्ट होता, तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो मल्टीपल चॉइस में इसमें अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, इस कंसेप्ट के ऊपर, चलो तो पॉज करो, ये तो छोड़ दो अभी, ये टू तो नहीं है अपना, तो ये आया, तो अभी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, अल्फा पे डिपेंडेंट है बट थीटा पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है ना, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डायरेक्टली कम आता है बट सारे चैप्टर्स में यूज होगा, जितना भी तुम अब मैथमेटिक्स आगे जाके पढ़ने वाले हो, पूरा फाउंडेशन है बेसिकली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर द एंटायर मैथमेटिक्स, अभी आगे जाके हमारा कोऑर्डिनेट चालू होगा उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, कैलकुलस तो कर ही नहीं सकते विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, ये समझ लेना, अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गया ना तो ये मान लो तुम्हारा आगे की मैथ्स सॉल्व करने में तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, इसलिए बोलता हूं ट्रिग्नो पे बहुत फोकस करो, ठीक है ना, प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी एक है, देखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो वही बोलूंगा कि एक बार पॉज करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, और मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या करें हम कैसे स्टार्ट करें, तो क्या किया दो दो टर्म्स को क्लब किया, दो टर्म्स को क्योंकि तीन का तो हमें नहीं पता ना, दो का हमें पता है, जैसे 10a plus 10b की तरह हम ट्रीट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, मैंने क्या किया इन दो टर्म्स को, एक मिनट, इन दोनों टर्म्स को क्लब किया, ठीक है ना, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया, जैसे हम 10a plus 10b का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, उसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को क्या लिखूंगा मैं, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी, और इसको मैंने चलो इसको भी उधर ले जाके लिख दिया माइनस ऑफ कॉस सी अपॉन साइन सी, ठीक है ना, इसको भी साइन कॉस मैंने कट दिया बट उधर जाके लिख दिया, अब इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर क्या बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन क्या आया साइन ए साइन बी, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस सी अपॉन साइन सी, अब देखो अब ए प्लस बी आ गया ना मेरे को देख के, अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, देखो सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि एबीसी बेसिकली ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ए प्लस अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, अगर ए बी एंगल ए बी सी उसके एंगल्स के ट्राइंगल्स है तो उनका सम क्या होता है पाई होता है, मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई,
तो यहां से मैं a प्लस बी क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, वो मैंने इधर रख दिया, तो बेसिकली ये क्या लिखा है पाई माइनस सी। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सो बेसिकली ये क्या लिखा है साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी। देखो करेक्ट लिखा है। चलो अब मैंने क्या किया, इस साइन को इधर लेके आया, तो देखो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। देखो यहां तक क्लियर है, दिस लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन वन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी कहानी बाकी है। अब सुनो ध्यान से सुनना, इसको हटा देता हूं यहां से। देखो अब जब मैंने इस टर्म को उधर लेके उधर भेजा, जब इन दोनों को क्लब किया, तो मेरा क्या आ रहा है साइन स्क्वायर सी अपॉन दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। अब दोबारा अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिमेट्री से बता रहा हूं, सिमेट्री से। अब बताओ अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा होता, अगर मैं कॉस कॉट बी को उधर भेजता, तब मेरा क्या आता इधर। देखो जब मैंने सी वाले को उधर भेजा, तो मेरा इधर क्या है साइन स्क्वायर सी न्यूमरेटर में, तो ऑफकोर्स अगर मैं बी वाले को उधर भेजूंगा तो उधर क्या आएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और नीचे साइन ए साइन भी आ रहा है, साइन ए साइन भी कब आ रहा है, जो टर्म हमने एलएचएस में रखे उसका साइन आ रहा है, तो ए कॉट ए और कॉट सी को अगर मैंने इस साइड रखा तो नीचे क्या आएगा साइन ए साइन सी, क्लियर है। और इधर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ इधर जिसको भेजा था उस साइड, इसे हमने इधर भी किसको कॉट सी को भेजा था, तो इधर कॉस सी बचा, अब मैं कॉट बी को भेज रहा हूं तो इधर क्या बचेगा कॉस बी, तो माइनस ऑफ कॉस बी। तो देखो हालांकि तुम कर सकते हो, बट हम सिमेट्री यूज करके फास्ट करेंगे ना, समझ में आया, जैसे ये प्रूफ है वैसे उसका निकाल सकते हो, बट हम मैंने कैसे यूज किया सिमेट्री से, कि जब हम कॉट सी को उधर लेके गए थे तो इधर इधर कॉट ए प्लस कॉट बी बना, तब हमारा इधर साइन स्क्वायर सी आ रहा है, सी को उधर ले गए तो इधर साइन स्क्वायर सी आ रहा है, अगर बी को उधर लेके गए तो इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर बी, सिमेट्री है। अच्छा अब लास्टली एक और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, अब हम इन दोनों को रखते हैं ए को उधर लेके जाते हैं, जब ए को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा बचे हुए दो एंगल्स का साइन, तो दैट इज साइन बी इंटू साइन सी। और इधर क्या आएगा ये जो एंगल था बी इसी का कोसाइन था इधर, तो माइनस कॉस ऑफ इधर जो एंगल है ए, और नहीं तो तुम ले जाके उधर करो दोबारा, लेकिन फालतू इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्लियर हुआ। अब क्या करें, चलो पॉज करके आप सोचो, मैंने 90% कर दिया, 90 से ज्यादा ही कर दिया, बस एक ही स्टेप करना है, सिंगल स्टेप और आंसर तुम्हारे हाथ में, बताओ क्या करें, पॉज करो सोचो और मैं अब बता रहा हूं इसको क्या किया हमने। पहले मैं इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट करके रब कर देता हूं इसको। अब क्या किया हमने, इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई किया, देखो इधर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो पहले मैं एलएचएस लिख रहा हूं, तो साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, तो क्या आया इधर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी अपॉन, अब देखो साइन ए साइन बी साइन ए साइन सी साइन बी साइन सी, तो हर एक साइन दो बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यही चीज आ जाएगी इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस कॉस ए, तो तीन बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस आएगा, और क्या आएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये तो मेरा वन हो गया, सेम चीज लिखी है, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू कितनी आई, ये माइनस इधर चला गया माइनस वन, सो आंसर क्या आया इसका, आंसर फॉर दिस इज माइनस वन, द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इज माइनस वन, क्लियर हुआ कि दोबारा। चलो एक काम करते एक बार रिकॉल करते क्या किया क्या क्या किया हमने, पहले सबसे पहले हमने ये देख के हमने कहा दो में फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज हमें टेन ए प्लस टेन बी वाला कंसेप्ट से हम इन दो में को क्लब करते हैं, तो इसको इधर भेजा, फिर सिंप्लीफाई किया तो हमें ये आया, फिर मैंने बोला कि अगर हमने कॉट सी को उधर भेजा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है तो हम अगर कॉट बी को उधर भेजेंगे तो ऐसा बनेगा यूजिंग सिमेट्री, सिमिलरली अगर कॉट ए को उस साइड भेजेंगे तो ये बनेगा। अब ध्यान से देखा हमने कि अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा साइन वाले सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज न्यूमरेटर में 2 डिग्री टर्म दे रखे तीनों में, और नीचे भी दो दो टर्म दे रखे, लेकिन क्लब होके तो वही चीज बन जाएगी, तो फाइनली मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ रहा है, और वही तो हमें पूछा है, ठीक है ना। तो चलो फिर पॉज करो इसको कॉपी करो, मैम
इसको रब कर देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 tan alpha into 10 beta इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अगर आज की क्लास तुमने ध्यान से सुनी होगी ना, अगर हर एक क्वेश्चन अभी तक, तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा ये कैसे करें, ठीक है ना, क्लिक कर जाएगा कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आज की क्लास में आ चुका है इस टाइप का, कैसे करें। देखो इधर तो क्या कॉस अल्फा बीटा वगैरह ये सब चीज दे रखी है, हालांकि ठीक है, वैसे इसको मल्टीपल तरीके हैं इसके भी, अगेन देयर आर मल्टीपल वेज। देखो एक तरीका क्या है, मेथड वन देखना ध्यान से, मैंने ऐसे लिखा टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू 1/3, फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर आप अभी भी नहीं क्लिक किया, मतलब अभी तक नहीं सोचा पॉज करके किया हो, अब पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि अब क्लिक करना चाहिए, क्योंकि देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसका एक्सपेंशन फॉर्म देखें तो इट इज व्हाट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन माइनस साइन ए साइन बी, तो वो चीज इससे कब जनरेट हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने कुछ सीखा था कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो लगा देते हैं इसमें, क्योंकि उसमें क्या होगा इन दोनों का एडिशन, उससे तो मेरा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जनरेट हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस से क्या जनरेट होगा अपना कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो भी चाहिए मुझे, और इधर तो मेरा कॉन्स्टेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो क्या लगाया, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इधर आएगा साइन ऑफ, चलो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन, दिस इज वॉट मैंने अभी इधर क्या लिखा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे लिख रहा हूं मैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू, फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 1 + 3 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 1 - 3, क्लियर है। अब देखो ध्यान से ऊपर वाली चीज क्या लिखी है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विद कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इधर आया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन, अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लू तब मेरा क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 + 3 = 4 और 1 - 3 - 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से 8 कैंसिल, तो क्या आया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हैंस प्रूफ्ड, क्लियर हुआ। अच्छा अब मैंने क्या बोला, एक तो ये मेथड हो गया, अब इसको विदाउट कंपोनेंटो डिविडेंडो भी कर सकते हैं, कैसे देखो अब मैं बता रहा हूं, अब हम इससे जाते हैं जो प्रूफ करना है ना उसकी हेल्प से जाते हैं हम, तो पहले वीडियो पॉज करके इसको तो कॉपी कर लो मेथड वन को। अब मैंने क्या बोला, जो प्रूफ करना है ना उसकी हेल्प से हम उससे हम क्या करें, कोशिश करेंगे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा जनरेट हो जाए। तो देखो ऑब्जर्व केयरफुली, ये क्या आया, इसको ओपन किया कॉस, चलो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या किया, साइन और कॉस के टर्म एक साथ लिख लिए, तो देखो टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर से माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा, तो क्या बचेगा नेट, इधर कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्लियर है। अच्छा फिर मैंने बोला अच्छा प्रूफ करना है ना इस साइड से, चलो ठीक है इज इक्वल टू, तो देखो ये 2 - 2 है, उधर जाके 1 + 1 है और लिखा है, तो दिस इज 3 साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो इसको, अब इधर से आ गया हमारा, इस दोनों टर्म को मैं इसको इसके नीचे लेके जाता हूं, तो 3 tan alpha into 10 beta इज 1। तो अब क्या करो इसी को, जैसे चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 1 = 3 tan alpha tan beta, क्लियर है यहां तक। अब क्या करो इसी को उल्टी डायरेक्शन में लिख दो, तो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया,
यहां से स्टार्ट करेंगे, अब जो स्टेप मैंने इधर फॉलो किए उसी का उल्टो उल्टे डायरेक्शन में कर दो। क्लियर हुआ? चलो तो अब हम एक और चीज नहीं सीख लेते हैं एंड करने से पहले एक लेक्चर को, ठीक है ना, उसके बाद वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला था आज हम एक चीज और देखेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया, प्रीवियस जो भी हमने फॉर्मुलेस देखे उसके आधार पर हमने आज क्वेश्चन किए। अब एक और छोटा सा पार्ट लिख लो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है, वो आएगा, उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं लिखवा देता हूं सो दैट तुम्हें वो फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। आज तो फॉर्मूला इज, देखो अभी तक तो हमें क्या था, tan ऑफ a प्लस बी पता था। अभी तक हमने tan ऑफ a प्लस बी ड्राइव किया था, क्या किया था, अभी केवल फॉर्मूला बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। ये तो हमने पहले कर चुका है, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। पहले सुन लेना पूरी बात, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैंने तुम्हें बोला tan ऑफ a प्लस, एक एक्चुअली ट्रिक है थोड़ी सी, इसको कैसे लिखें। तो जैसे हमने tan ऑफ सॉरी sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ड्राइव किया था वैसे ही करेंगे, ऑफ कोर्स इसको एक एंगल मान लेंगे और एक एंगल ये होगा हमारा, तो फिर हम वही tan ऑफ a प्लस बी लगाएंगे, फिर दोबारा उधर जो tan ऑफ b प्लस सी होगा उसको दोबारा उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। बट अब क्या है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, नॉट ओनली फॉर थ्री एंगल्स, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ एंगल्स। लाइक से मैंने ऐसे लिखा tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो सोचो अगर हम वैसे फॉर्मूले से करेंगे, अगर मान लो जैसे हमने साइन वाला किया था ड्राइव, इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, फिर इधर हमारा क्या आएगा, tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ c प्लस डी अपॉन वन माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ c प्लस डी, फिर दोबारा तुम्हें tan ऑफ a प्लस बी में वो फिर वाला दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सिमिलरली tan ऑफ c प्लस डी में लगाना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अब मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फॉर दो एंगल तक तो याद रहता है, तीसरे से लेके कहीं तक चले जाओ पांच एंगल्स का एडिशन तो भी जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज, इसको समझते हैं अच्छे से, मैं ऐसे लिख रहा हूं tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कितने भी एंगल्स हो कितने भी हो। अभी मैं इधर क्या लिख रहा हूं, देखो एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स और ऊपर प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है एस वगैरह का, वो अब देखते हैं, ठीक है ना। एस वगैरह का मतलब क्या है, तो देखो एस वन मतलब क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स। देखो क्या लिख रहा हूं, सम ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन वन एट अ टाइम, टेकन वन एट अ टाइम। अब ये चीज रिकॉल करो, हमने थियर ऑफ इक्वेशन में पढ़ी थी इस टाइप की चीज, याद है कुछ। हम जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस लेट से टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। अब मैंने बोला था इसके तीन रूट्स होते हैं, तो याद है फिर हमने बताया था, जैसे मैंने बोला कि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को मैंने क्या लिखा था उधर, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। फिर सिमिलरली ये इस चीज को अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एंड सो ऑन, इसको क्या बोलते थे, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो वही चीज है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। तो इसका मतलब एस वन मतलब क्या हो गया, ये तो लैंग्वेज फॉर्म में हो गया, मैथमेटिकली इसका मतलब है टेकन वन एट ए टाइम, मतलब टेन ए एक फिर टेन बी प्लस टेन सी एंड सो ऑन। कितना लेंगे वो डिपेंड करता है इधर कितने एंगल्स दिए, चार दिए तो इधर चार हो जाएंगे, चार डम्स आ जाएंगे, इधर पांच दिए तो इधर पांच आ जाएंगे S1 के लिए। अब S2 सिमिलरली, S2 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स अब नाम से इंडिकेट हो रहा है, क्या होगा, सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल टेकन टू एट ए टाइम, तुम पूरा लिखना टू एट ए टाइम। तो अब क्या होगा, दो दो के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो मैंने तुम्हें थियर ऑफ इक्वेशन बताया था यूजिंग पीएनसी, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जैसे मैंने बोला चार अगर एंगल दिए तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो एक्चुअली आंसर कितना होता है, सिक्स होता है। वो कैसे आता है, एक तो मैनुअली कर लिया और एक मैंने तुम लोगों को पीएनसी की मदद से बताया था, ठीक है ना। बट दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, जैसे इसका एस टू मतलब क्या हुआ, टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन सी प्लस एंड सो ऑन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ना दो दो के, वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। दिस इज वॉट माई एस टू। तो सिमिलरली एस थ्री क्या होगा, सम ऑफ
ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है ना। अब एस थ्री क्या हो जाएगा, टेकन थ्री एट ए टाइम, एस फोर फोर एट ए टाइम, तो वो तो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, एस वन एस टू लिखना सफिशियंट है। अब हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं दोबारा, तो इतना पहले पार्ट कॉपी करो, ठीक है ना, इतना कॉपी करो, फिर मैं रब कर रहा हूं इसको, सुनना ध्यान से, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब आते हैं हम फॉर्मूले पे, ठीक है ना, किसके, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के। तो देखो इधर, अच्छा अब मैंने इधर तो बहुत सारे एस लिखे हैं, लेकिन सारे तो नहीं आएंगे, कहां तक आएंगे वो डिपेंड करेगा इधर एंगल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, सबसे चलो हम ये वाला फॉर्मूला भी इसके बेसिस पे ड्राइव कर लेते हैं। मैंने बोला टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, फॉरगेट अबाउट तुम्हें ये पता है, जस्ट फोकस हियर। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अच्छा देखो दो एंगल्स हैं, तो एस टू के बाद नहीं आएगा, एस टू के बाद नहीं आएगा, एस वन और एस टू आएगा इसमें से, तो एक तो ऊपर एस वन बचा, फिर मैं एस थ्री लू क्या, नहीं तीन तो है ही नहीं ना, दो का है, तो एस थ्री वाले के आगे वाले सब गाया, अपॉन वन माइनस एस टू, एस फोर लू क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, जब एस थ्री नहीं लिया तो एस फोर का आएगा, तो मेरा टेन ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, एस वन माइनस एस वन अपॉन वन माइनस एस टू। अब एस वन क्या था, मैंने क्या बोला था, एस वन इज व्हाट, टेकन वन एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा, टेन दो एंगल्स है तो दो ही आएंगे, क्या आएगा, एक तो टेन ए प्लस टेन बी, अच्छा अब वन माइनस एस टू, अब दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, टेन ए इंटू टेन बी, तो ये हो जाएगा मेरा टेन ए इंटू टेन बी, दैट्स इट, और यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक और लास्टली एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड अप करेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चलो अब पहले तो मैंने ये लिखा, तो एस वन माइनस एस थ्री, अच्छा उससे पहले एक चीज और, इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, देखो ऑब्जर्व करो केयरफुली, ऊपर तो ऑड वाले हैं, नीचे इवन वाले हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, दीज टू कीप, ये दोनों चीज दिमाग में रखो तो फिर कभी नहीं भूलोगे फॉर्मूला, ठीक है ना। एक तो क्या, ऊपर ऑड वाले हैं, नीचे इवन वाले हैं, नीचे वन से स्टार्ट हुआ और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा तो एस फाइव आएगा क्या, नहीं तीन ही है ना, तो एस फाइव कहां से आ जाएगा भाई, अपॉन वन माइनस एस टू, एस फोर आएगा क्या, नहीं एस फोर नहीं आएगा, बिकॉज तीन ही टर्म है ना, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब बस वैल्यू प्लग करो, तो एस वन क्या होगा मेरा, एस वन इज वॉट, एक एक का सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम, तो क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस। अब मैंने बोला एस थ्री क्या हुआ, सोचो दिमाग लगा के, मैं तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा बिकॉज तीन ही एंगल्स है ना, तो एक ही कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दोस थ्री क्या होगा, टेन ए टेन बी टेन सी, तो क्या हो जाएगा एस थ्री टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन वन माइनस एस टू, तो वन माइनस एस टू। अब एस टू में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो दो के, ये तो मैनुअली कर सकते हो, एक तो ए बी एक बी सी और एक सी ए, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, बाकी हम पीएनसी से कैसे बोलेंगे थ्री सी टू, वो मैंने बताया था तुम्हें, थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और थ्री माइनस वन वन फैक्टोरियल, सो दिस विल बी थ्री ओनली, ठीक है। तो दो मैंने बोला तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो लिखा टेन ए टेन बी प्लस, तो माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस सब एडिट ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लगा लो प्लस लिख लो, टेन बी टेन सी और प्लस टेन सी टेन ए, बस दैट्स इट, ये हो गया हमारा टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ऐसे हम कितना भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें कितने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने आखिरी में इसलिए इसको करा दिया सो दैट आज कुछ मतलब केवल क्वेश्चंस किए थे हमने, कुछ याद करने वाली चीज नहीं की थी, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो कुछ तो डाटा होना चाहिए तुम्हारे पास, फ्री तो नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना, मतलब तो इसको तुम्हें अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसको अच्छे से याद रखना। इसको मैंने मेमोराइज करने को क्या बोला, ऊपर ऑड के हैं, नीचे इवन के हैं, और प्लस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, दीज टू थिंग्स यू कीप इन माइंड। और फिर एस वन एस टू एस थ्री कितना लेना है मुझे आगे तक, वो डिपेंड करता है कितने एंगल्स दिए इधर, ठीक है, और नीचे भी वही डिपेंड करता है कितने एंगल्स दिए। जैसे थ्री के लिए हमने क्या लिखा, एस वन माइनस एस थ्री आएगा, एस फाइव नहीं आएगा, तो दो दो आए इधर, नीचे क्या आएगा, वन माइनस एस टू आएगा, एस फोर नहीं आएगा। अब जैसे मान लो मैंने चार एंगल लिए, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिया, तो एस वन माइनस एस थ्री आएगा, एस फाइव फिर भी नहीं आएगा, लेकिन नीचे तीन आ जाएंगे, एस वन माइनस एस टू प्लस एस फोर, क्लियर है। चलो और ये चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको सिग्मा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा लगेगा, देखो ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूँ,
आई एम राइटिंग इट इन सिग्मा फॉर्म. जो नीचे रिजल्ट आया ना उसी को सिग्मा के फॉर्म में शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यू जस्ट राइट डाउन. टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी को लिखेंगे सिग्मा टेन ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, इसको लिखेंगे पाई टेन ए. जिसको नहीं आता है ये सिग्मा पाई वाले फॉर्म में लिखना, डोंट वरी, बिल्कुल वरी करने की कोई चिंता नहीं है, हम आगे जाके सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे ये डिटेल्ड में, ठीक है ना. बट जिसको आता है उसके लिए, बट लिखना तो सभी को है, क्योंकि उस टाइम जब पढ़ लोगे तो तुम एक बार नोट्स जब पलटोगे उसके बाद तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अपॉन वन माइनस, अब इसको क्या लिखूं, ये भी तीन 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 का सम है तो सिग्मा तो आएगा, और क्या लिखूंगा टेन ए टेन बी. तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, शॉर्ट नोटेशन ऑफ, देखो इधर भी मैं आर एच एस भी एल एच एस भी शॉर्ट में लिख लेता हूं, टेन ऑफ सिग्मा ए, चार एंगल्स के लिए है. दिस इज टेन ऑफ, सॉरी तीन एंगल्स के लिए, दिस सिग्मा ए बेसिकली रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी. क्लियर है? तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है, और अगर कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क. और मैंने जो बोला कि जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना, यू शुड थिंक फॉर अल्टरनेट अप्रोच. मैं बोल रहा हूँ गारंटी, अगर अल्टरनेट अप्रोच सोचोगे ना तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना. यू मस्ट डू इट एंड लेट मी नो. देखो देखते कौन कौन रिप्लाई देता है विद अल्टरनेट अप्रोच सॉल्यूशन, विद जो भी मैंने क्वेश्चन किए उनका सॉल्यूशन विद डिफरेंट अप्रोच, ठीक है. चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच.